हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको आज नाउन नाउन यानी संज्ञा आज अपन कौन पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। हम हिंदी में भी पढ़ते हैं और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े हैं। तो नाउन नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन इज द मैप ऑफ थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु, स्थान, जाति या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जैसे थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, और पर्सन मतलब किसी व्यक्ति, और एनिमल्स जानवर, और फ्लेश स्थान है ना, और एक्सेप्टर स्थान इत्यादि के नाम, जो भी नाम है ना दुनिया में जिनकी उत्पत्ति में उनके नाम रखे हैं, उनको हम जो नाउन के नाम से जानते हैं। और नाउन नाउन जो है तीन टाइप के होते हैं। नाउन के टाइप में जो तीन होते हैं, नाउन संज्ञा के तीन टाइप होते हैं मुख्यतः। वैसे कॉमनली जो हम तीन टाइप करते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी का व्यक्तिगत नाम और होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में आपको फॉर एग्जांपल के रूप में बता सकता हूं कि जैसे मैंने नाम लिखा रवि, या फिर मैंने लिखा सुमन इत्यादि। ये जो नाम होते हैं किसी विशेष व्यक्ति या नाम किसी विशेष, चाहे जानवर भी हो उनका, जैसे हमने कोई डॉगी है उसका नाम हमने चिंकी रख रखा है, तो वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन, कॉमन मतलब इज ए कॉमन ग्रुप, जाति है ना, इसको कहते हैं जातिवाचक कॉमन नाउन। जैसे मानव जाति है, एनिमल जानवर एक जाति है, पक्षी एक जाति है। अब पक्षी में भी अलग अलग टाइप होते हैं, कबूतर होता है, खरगोश जैसे कोई भी मोर होता है ना, तो वैसे उसको कॉमन ये भी है क्या है? जाति है। तो जैसे जाति में, जैसे मैंने जानवर की बात करी, जैसे डॉग, एनिमल है ना, पैरट, बर्ड, ये सब क्या है? जाति है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब भाववाचक संज्ञा, जो हमारा आंतरिक जो भावना फीलिंग्स होती हैं उनका हम जो अगर डीपली डिस्क्रिप्शन करें तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमारे जो हृदय में, हमारे जो हार्ट में जितनी भी फीलिंग्स आती है, जैसे सैड, हैप्पी, एंग्री, डिस्पेयर, और ये जितनी भी हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है, ये हमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में इनको जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमने नाउन टॉपिक पढ़ा। आपको कोई समस्या हो तो मुझसे आप अपने वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना, इसको इस वीडियो को शेयर करना और इसको लाइक करना। और मैं अब बता दूं, जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज के रूप में अगर मैं आपको कराऊं, तो यहां पर सपोज आपको एक नाउन लगाना है, मैंने एक ब्लैंक दिया, मैंने ब्लैंक में लिखा इज माय ब्रदर। अब मैंने यहां क्वेश्चन में लिखा राम, और एक लिखा मैंने सुमन। तो इन दोनों में से कौन सा हम इस ब्लैंक में भरेंगे, कौन सा नाउन भरेंगे? तो हमें जो ब्रदर है तो हम कौन सा भरेंगे?
द लैंड। अब मैंने यहाँ पर आपको बाई जगह दी और मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया आपको, ये तो लिखा फैन और ये लिखा मैंने पीकॉक। तो आपको इसमें मालूम है पेन क्या है, थिंग्स है, वस्तु है, और पीकॉक क्या है, बर्ड है, दोनों नाउन है। बट यहाँ इस ब्रैकेट में क्या आएगा, स्लैंग में क्या आएगा, पेन। तो हम किस किस हम लिखते किस है, पेन से, तो यहाँ पर क्या आएगा, पेन। तो आपको नाउन का मैंने अच्छा तरह से समझाने की कोशिश की और मैं अगली क्लास में आपको प्रोनाउन और जेंडर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।